फिर इसको भी चालू कर दूंगा स्टार्ट। एक नहीं नहीं ये दूरदर्शन वाला आ गया। काले लोगो आप सभी को विदित है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत सरकार ने इसे एक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रोग्राम में भी लिया है और इसी के उपलक्ष्य में वापी सेलवास दमन की जो संगत है पंजाबी और सिख मिलकर इन्होंने आज जो है एक शोभा यात्रा निकाली है जो सुबह 11 बजे गुरुद्वारे से निकलकर सेलवास होते हुए बिलाड़ से होकर वापी चार स्तर से अब इस समय यहां पर दमन पधार रही है और उस शोभा यात्रा को रिसीव करने के लिए अभी अभी हमारे दमन के कलेक्टर साहब भी पहुंच रहे हैं और दमन की जो संगत है यहां स्वागत करेंगे और यहां से फिर वापस वो गुंजन यानी वापी टाउन होकर जीआईडीसी होकर वापस ये गुरुद्वारे की तरफ जाएगी और शाम को वहां पर अतुट लंगर बरतेगा। और ये जो एक तरीका है इस तरह की शोभा यात्रा निकालने का, ये गुरु नानक देव जी ना तो हिंदुओं के थे ना सिखों के ना मुसलमानों के, उस सभी को उनके लिए मनुष्यता ही एक धर्म था, कोई दूसरा कोई धर्म नहीं था। आज जो उन्होंने 550 साल पहले भी बताया था आज भी वो चीजें सत्यार्थ हो रही है। धन्यवाद।
Thank you.